वेलकम टू कैरियर पावर सो इनफेंट ब्रांच। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी के लिए मैंने एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट की है, जिसका नाम रखा है बैंकिंग एफएक्यू सीरीज। इस वीडियो सीरीज के अंदर मैं अभी तक के जितने ही बैंक एग्जाम और उनसे जुड़े हुए इंटरव्यू कंडक्ट हो चुके हैं या इन फ्यूचर जो भी होंगे, उनके अंदर जो भी बैंकिंग से जुड़ी हुई टर्म पूछी गई है या पूछी जा सकती है या पूछी जाएगी, उन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा, ताकि आप अपने मेंस के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें और इंटरव्यू के अंदर भी कॉन्फिडेंस फील कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएस को। व्हाट इज सीबीएस? सीबीएस इज ए एक्रोनेम दैट स्टैंड फॉर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। इन कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर इज आल्सो ए एक्रोनेम दैट स्टैंड फॉर सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। सीबीएस की फुल फॉर्म है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, और कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के अंदर जो कोर है, कोर भी अपने आप में एक एक्रोनेम है, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। जब हम इन दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं तो ये बन जाता है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज बैंकिंग सॉल्यूशन। अब ये होता क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कई बार आपने किसी ना किसी बैंक की ब्रांच में विजिट किया होगा, और ब्रांच के अंदर जब आप जाते हैं तो काफी बोर्ड लगे होते हैं और उन पर कुछ ना कुछ बैंकों से जुड़ा हुआ लिखा होता है। वहीं पर किसी न किसी एक बोर्ड पर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, दिस ब्रांच इज सीबीएस अनेबल्ड, यह ब्रांच सीबीएस संचालित है। तो उसका मीनिंग क्या होता है, तो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। सीबीएस कुछ नहीं है, सीबीएस एक नेटवर्किंग ऑफ बैंक ब्रांचेज है। सीबीएस क्या है, एक नेटवर्किंग है जिसके थ्रू एक ही ब्रांच एक ही बैंक की सारी ब्रांचेज को एक दूसरे से इंटरलिंक कर दिया जाता है, जिससे कस्टमर को यह सुविधा होती है कि वो अब किसी एक स्पेसिफिक ब्रांच का कस्टमर ना होकर पूरे एंटायर बैंक का कस्टमर बन जाता है। उसने जहां पर अकाउंट ओपन कराया है उसके सिवाय उसी बैंक की अदर ब्रांचेस के अंदर जाकर भी अपनी वही बैंकिंग सर्विसेज अवेल कर सकते हैं जो अपनी होम ब्रांच से अवेल करता था। अब वो पूरे एंटायर बैंक का कस्टमर कहलाता है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। इससे पहले जहां पर आपने अकाउंट ओपन कराया है वहीं पर आपको सारी की सारी बैंकिंग सुविधाएं मिलती थी। सीबीएस के अंदर क्या किया गया, मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। एक बैंक की, जैसे मान लीजिए एसबीआई है, एसबीआई की देश के कोने कोने में और देश से बाहर हर जगह पर ब्रांचेस ओपन है। जैसे एसबीआई की हरियाणा में है और हरियाणा में काफी जगह पर ब्रांचेस होंगी, ऐसे ही एसबीआई की दिल्ली के अंदर अलग अलग जगह पर बहुत सारी ब्रांचेज होगी, और इसी तरीके से यूपी के अंदर, मैं तीन स्टेट का एग्जांपल लेता हूं, अलग अलग जगह पर काफी ब्रांचेज ओपन हो रखी होगी। और मान लीजिए मैंने हरियाणा के अंदर सोनीपत के अंदर अपना एसबीआई में अकाउंट ओपन करा रखा है और मैं यहां पर लीव करता हूं और अच्छे से बैंकिंग सर्विस लेता हूं, लेकिन किसी कारणवश इन फ्यूचर मुझे दिल्ली के अंदर शिफ्ट होना पड़ गया या हरियाणा के ही किसी दूसरे कॉर्नर में मुझे शिफ्ट होना पड़ गया। मान लीजिए मैं दिल्ली के अंदर ही मेरा ट्रांसफर हो गया, और क्या अब मुझे अपना यहां से एसबीआई का अकाउंट क्लोज कराना पड़ेगा या मैं इसको ट्रांसफर करा सकता हूं? ट्रांसफर करा सकता हूं, बिल्कुल करा सकता हूं। पहले लोग ऐसे ही ट्रांसफर करते थे, लेकिन सीबीएस के आने के बाद ना तो आपको अकाउंट क्लोज कराने की जरूरत है ना ही अपना अकाउंट ट्रांसफर कराने की जरूरत है। अब आप पहले सोनीपत के अंदर आपने अकाउंट ओपन कराया था एसबीआई के अंदर, और सोनीपत के अंदर ही सारी बैंकिंग सर्विसेज लेते थे। अब आप दिल्ली के अंदर चले जाइए या किसी भी स्टेट के अंदर चले जाइए और वहां पर एसबीआई की किसी भी ब्रांच के अंदर जाकर सेम बैंकिंग फैसिलिटी या सेम बैंकिंग सर्विसेज अवेल कर सकते हैं जो आप सोनीपत के अंदर अवेल करते थे। तो ये है सीबीएस, जिसके थ्रू अब कस्टमर उस बैंक की किसी एक ब्रांच का कस्टमर ना होकर वो पूरे एंटायर बैंक का कस्टमर हो गया है। तो अब मैं पूरे एसबीआई बैंक का कस्टमर बन गया, केवल सोनीपत ब्रांच का कस्टमर नहीं रहा। ये किसके थ्रू हुआ? ये सीबीएस के थ्रू हुआ। ये कैसे हुआ? हर एक ब्रांच के सर्वर को एक दूसरी ब्रांच से कनेक्ट कर दिया गया, ताकि कहीं पर भी किसी भी अकाउंट की डिटेल डाली जाए और वहां पर वो सारी इंफॉर्मेशन अवेल हो जाए। तो अब हम देखते हैं डेफिनेशन, या कह सकते हैं मीनिंग एक लैंग्वेज के अंदर, कि सीबीएस होता क्या है। सीबीएस इज ए नेटवर्किंग ऑफ बैंक ब्रांचेज अंडर विच ऑल ब्रांचेज ऑफ द बैंक आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर विच अनेबल्स द कस्टमर टू ऑपरेट देयर बैंक अकाउंट फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द सेम बैंक ऑन सीबीएस नेटवर्क।
जो चीजें मैंने अभी बताई थी कि नेटवर्किंग के थ्रू एक बैंक की सारी ब्रांचेस इंटरकनेक्ट कर दी जाती हैं, जिससे कस्टमर अब उस बैंक की किसी भी ब्रांच के अंदर जाकर अपनी बैंकिंग सर्विसेज अवेल कर सकता है। और अब कस्टमर बाध्य नहीं है कि उसको अपनी होम ब्रांच के अंदर ही बैंकिंग सर्विसेज लेनी पड़ेंगी। कस्टमर आर नॉट बाउंड टू अवेल बैंकिंग सर्विसेज वेयर ही मेंटेन हिज अकाउंट। थ्रू दिस द कस्टमर इज नो मोर द कस्टमर ऑफ स्पेसिफिक ब्रांच, ही बिकम्स द एंटायर बैंक कस्टमर। अब वो पूरे बैंक का कस्टमर कहलाएगा। ये मैंने आपको समझाया था एग्जाम्पल के माध्यम से। अब सीबीएस के थ्रू क्या क्या सर्विसेज ले सकता है कस्टमर, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मैंने एसबीआई के सोनीपत ब्रांच के अंदर अपना अकाउंट मेंटेन किया हुआ है, तो अब मैं सोनीपत के सिवाय किसी दूसरी ब्रांच के अंदर भी जाकर पूरे देश में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में एसबीआई की किसी दूसरी ब्रांच के अंदर भी जाकर मैं सोनीपत के अंदर जो मैंने अकाउंट मेंटेन किया है उस अकाउंट के बारे में जानकारी ले सकता हूं। उस अकाउंट के बारे में जो क्रेडिट डेबिट की एंट्रीज हैं उनके बारे में पूछताछ कर सकता हूं, ठीक है, होना मेरा ही अकाउंट चाहिए। और किसी दूसरी ब्रांच में जाकर मैं अपने अकाउंट में चेक लगा सकता हूं, चेक डिपॉजिट करा सकता हूं, मैं किसी दूसरी ब्रांच में जाकर अपना कैश विड्रॉल करा सकता हूं, लेकिन एक लिमिट रहेगी, ठीक है। मैं कहीं से भी किसी भी दूसरी ब्रांच में जाकर अपने ही बैंक की किसी दूसरी ब्रांच में जाकर अपने अकाउंट की स्टेटमेंट निकलवा सकता हूं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर सकता हूं किसी दूसरी ब्रांच में जाकर, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं सीबीएस के होने के। और मोस्टली आज के टाइम में इंडिया में मोस्टली जितने भी ब्रांचेज हैं, जितने भी बैंक हैं, वो सभी सीबीएस नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। और कोई नहीं भी होगा तो वो आपके जो कोऑपरेटिव टाइप के बैंक होते हैं वही बैंक बचे हुए हैं एक आध फुटफुट की जो सीबीएस से इंटरलिंक नहीं है, नहीं तो सारे के सारे सीबीएस के थ्रू इंटरलिंक हो चुके हैं। ध्यान रखना एक बैंक की सारी की सारी ब्रांच, ना कि एसबीआई पीएनबी के साथ इंटरकनेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और क्या मुझे उस नेटवर्क का नाम बता सकते हैं जिसके थ्रू सारे के सारे एटीएम एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, सभी बैंकों के एटीएम इंटरलिंक होते हैं। मैंने आपको क्लासरूम के अंदर भी पढ़ाया हुआ है, अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो सीबीएस की सर्विस है वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोवाइड कराई जाती है। तो एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से इंटरलिंक तो कर दी, लेकिन वो इसको यूज कैसे करेंगे, तो यूज करेंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर हैं जो सीबीएस फैसिलिटी के लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराते हैं। उनमें से जो टॉप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है या सबसे फेमस है वो है इंफोसिस कंपनी का फिनेकल। इंफोसिस कंपनी ने बनाया है फिनेकल सीबीएस की सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए। ऐसे ही ओरेकल कंपनी ने बनाया है आईफ्लेक्स, और टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने बनाया है एफएनएस। ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी से खरीदा था एफएनएस फाइनेंशियल नेटवर्क सर्विसेज लिमिटेड। इन सभी में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो फिनेकल है। फिनेकल का अब जो प्रेजेंट में वर्जन आया है वो 10 है, जैसे आपका विंडो का 7 विंडो होती है 7, 8, 9, 10 इस तरीके से, तो ऐसे ही जो फिनेकल 10 यूज होता है मोस्टली बैंकों के अंदर, आपको फिनेकल मिलेगा या फिर ओरेकल मिलेगा। जब आप बैंक के अंदर जॉब करना स्टार्ट करेंगे, बैंक में लग जाएंगे, तो आपको भी एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाएगा और आपके सिस्टम में इस तरीके का फिनेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दिया जाएगा। जैसे ये 7 का स्क्रीनशॉट है, ठीक है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के लिए इसमें यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा आपको, और फिर उसके बाद आप कस्टमर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा पाएंगे। तो ये थी एक टर्म जो आपके इंटरव्यू में पूछी जाती है और आपके एग्जाम में भी पूछी जाती है। एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीबीएस की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है या सीबीएस के बारे में आपको कंप्लीट डेफिनेशन दे दी जाएगी और पूछा जाएगा ये किसके बारे में कहा गया है, ठीक है। और इंटरव्यू के अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है कि सीबीएस होता क्या है और सीबीएस बैंक कैसे यूज करते हैं, और आप बताएंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज करते हैं, तो आपसे किसी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम पूछा जा सकता है। डिटेल में इस तरीके से बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को। और अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो मैं जल्द ही सेकेंड वीडियो लेक्चर लेकर आऊंगा इस सीरीज का, FAQ सीरीज का, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन योर बैंक एग्जाम्स एज वेल एज इन योर इंटरव्यू एग्जाम्स। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।